अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं pkinmissions.com और आज की इस वीडियो में देखने आ रहे हैं कि हम फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी का मेरिट कैलकुलेटर और इसको कैसे आपने कैलकुलेट करना है और कौन सी वेबसाइट पर जाके आपने कैलकुलेट करना है, ये सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में भी मिल जाएगा। और सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशन के मतलब पाकिस्तान में एजुकेशन के मतलब आपको सारी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी, लास्ट मेरिट कैलकुलेटर या क्लोजिंग मेरिट लिस्ट, टॉप 10 यूनिवर्सिटी, मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें आपको इसी वेबसाइट पर और इसी चैनल को आपने देखने को मिलती रहेंगी। तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारी वेबसाइट pkinmissions.com, यहाँ पे आपको लास्ट डेट फाइंड करनी है किसी यूनिवर्सिटी की या किसी यूनिवर्सिटी के बारे में आपने डिटेल हासिल करनी है तो आप इसी वेबसाइट पे जा सकते हैं pkinmissions.com। और यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है उनको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको ये सारी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जाना है कि कॉम्सर में जाना है, मेरिट कैलकुलेटर का भी अभी रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात बता दूंगा आपको। ये फॉर एग्जांपल आपने कॉम्सेट को ओपन कर लिया, यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, उसके लास्ट डेट अभी शायद गुजर गई है और मतलब हर चीज़ आपको देखने को इसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। कैलकुलेटर इसके सोशल मीडिया लिंक्स भी आई थिंक आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ये सोशल मीडिया लिंक्स हैं ट्विटर और लिंक्डइन, और मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, वेबसाइट का लिंक आपको हर चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप वेबसाइट पे आके कमेंट भी कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह विद इन अ डे आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो ये है हमारा मेरिट कैलकुलेटर, बहुत सी यूनिवर्सिटी पे यहाँ पे मेरिट कैलकुलेटर रिव्यू किए गए हैं पहले भी, एम के एडनास, कॉमसेट, आईएसटी, यूईटी, मतलब हर पाकिस्तान में काफ़ी यूनिवर्सिटी के यहाँ पे मेरिट कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हम आज का रिव्यू FJWU फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी का मेरिट कैलकुलेटर उसको ओपन कर लिया हमने और यहाँ पे आपको उसका क्राइटेरिया भी गिवन है। बहुत सी वेबसाइट देखी हैं जहाँ पे आपको क्राइटेरिया भी गिवन नहीं होता और आपको पता नहीं लगता कि वो किस क्राइटेरिया के बिना पे वो कैलकुलेट करके आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया भी गिवन है, 70% FSC NTS का, 30% मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा था, यही क्राइटेरिया गिवन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑब्टेन कर लेते हैं हम कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे FSC के अंदर नंबर है 950 out of 1100 और NTS का 30% ले लेगा, आई थिंक NTS 90 का होता है, 100 का जितने का भी होता है ये उसका 30% खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। फॉर एग्जांपल हमारे आई थिंक 100 का होता है 80, NTS में 100 में से 80 नंबर और कैलकुलेट भी किया तो आपका एग्रीगेट 84% बन गया। तो इस तरह आप एग्रीगेट की फाइंड कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिफोर अप्लाइंग, 60% ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मिनिमम सेकंड डिवीजन फॉर आल डिसिप्लिन, मतलब फर्स्ट डिवीजन आपको चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग FSC में, सॉफ्टवेयर SC में अप्लाई करने के लिए और LLB के लिए स्कोर 50 in LAT के टेस्ट में आपको 50% मिनिमम स्कोर चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे, ये सारी लिस्ट आपको पढ़ लें एक दफ़ा और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपको ये मेरिट कैलकुलेटर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।